जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ। पुलवामा आतंकी हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, उसको 12 दिन ही बीते कि मोदी सरकार ने उसका जवाब 300 आतंकवादियों को मार के ले लिया है। उसकी खुशी कल से ही पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं आज इस खबर को लेकर संवेदना भी व्यक्त किया जा रहा है कि हमारा एक जवान आज भी उनके कब्जे में है। लेकिन देखा जाए तो हर एक इंसान, हर एक आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद लगाए बैठा है कि मोदी जी अब की बार पूरा पाकिस्तान। आइए हम जानते हैं, कई सारे लोग हैं जो मिठाइयों को बांटे और यहाँ पे एक तरह से खुशियाँ मना रहे हैं कि किस तरह से हमारे जवानों का जो शहादत था वो बेकार नहीं गया। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में मोदी सरकार से उनके और कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, आज बहुत ही गर्व से हम लोग यहाँ पर जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। जिस दिन 14 फरवरी को हमारे जवानों पर आत्मघाती हमला हुआ था, उससे हमारा देश पूरे गुस्से में था, बहुत ही गुस्से में था। हम चाहते थे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें। उसके बाद हमारे जवानों ने 100 घंटे के अंदर जो वहां साजिश करके आत्मघाती हमला किए थे उनसे बदला लिया। और कल 13 ही था मेरे ख्याल से, मैं सच हूँ तो कल 13 ही के दिन हम 300 से ज़्यादा उनके आतंकवादियों को मार करके और पूरे तरह से हमने बदला ले लिया है। और हमारे देश के सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरा एकजुट है। आज विपक्षी दल के लोगों ने भी जिस तरह से मीटिंग करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया, पूरा भारत एक है, मैं गर्व से कर सकता हूं। और आगे भी पाकिस्तान को हम चेतावनी देते हैं कि हम झगड़ा नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम भी अपना विकास करो, हम भी अपना विकास करें। हम मोदी जी से चाहेंगे कि सही सलामत वापस हमारे जवान जो वहाँ फंसे हैं उनको सही सलामत अपने देश में वापस लाया जाए। तो सुन लिया आपने किस तरह से यहाँ पे आवाम प्रधानमंत्री मोदी जी से एक अपील कर रही कि हमारा सैनिक पूरी सुरक्षा के साथ फिर हिंदुस्तान वापस आना चाहिए और अगर पाकिस्तान कुछ गलत करता है तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और हम जानेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे बारी बारी से जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहेंगे और हमारे वीरों ने आज जो कारनामा कर दिखाया है उस पर उनकी क्या राय है। इसके पहले भी हमने दुख प्रकट किया हुआ था और आज भी हम चाहते हैं कि कुछ खुशी की बातें हैं, कुछ दुख की बातें भी हैं। इसलिए खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि जो एक जवान अपना पायलट फंसा हुआ है पाकिस्तान में, हम मोदी जी से आग्रह करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि किसी भी हालत में उस प्रधान की जान बचाए और हमारे आज अगर उस जवान को कुछ होगा तो पूरे पाकिस्तान को नक्शे से हटा देवे, ये हम उम्मीद रखते हैं उनसे। नहीं नहीं, 56 इंच का सीना आज सही में वाकिफ में उन्होंने 56 इंच का काम किया है सीना दिखाने का, जो कि उन्होंने वादा किया था एक के बदले हम 10 सर लाएंगे। उसी तरह हमारे 40 जवान मरे थे उस जगह, हमारे 400 उस जगह उनके 400 आतंकवादी पाकिस्तान के मारे गए। तो सुना आपने, एक सर के बदले 10 सर चाहिए और पूरा पाकिस्तान, हर एक आवाम की ये आवाज़ है। तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे देश पे लगाम लगानी चाहिए। हमारे साथ एक जवान मौजूद है यहाँ पे। आज कहा जाता है कि यंग पीढ़ी हमारे देश की कर्णधार होती है, यहाँ पे एक शिक्षित भी है ये, और इनसे जानेंगे किस तरह से मोदी सरकार ने जो काम किया है उस पर क्या कहेंगे। सर, क्या मोदी सरकार ने 56 इंच का सीना प्रूफ करके दिखाया, 12 दिन बाद 12 विमान 3:29, अगर टोटल जोड़ा जाए तो 56 इंच 56 होता है, तो उन्होंने 56 इंच का प्रूफ करके दिखाया देश को। जिस तरह रात को हमने सुबह देखे कि 300 आतंकी उनको मारा है, ऐसे एक और गुड न्यूज़ आ जाए कि अगले दिन हमको मालूम पड़े पाकिस्तान रहा नहीं नक्शे में, अगले दिन सुबह ऐसी कुछ और गुड न्यूज़ मिले तो बेटर रहेगा। जवान को बचाने की कोशिश की जाएगी मोदी सरकार की तरफ से, और रही बात बुराई की, जब बुराई होगी तभी तरक्की भी होगी। तो सुना आपने कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ और भी श्रेष्ठ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इनकी जो अनुभव है, अनुभव के वजह से या
अनुभव के कारण क्या कहना चाहेंगे और अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहेगा? सर क्या कहेंगे आप अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना है? अगला प्रधानमंत्री की मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश में होना अति आवश्यक है। मोदी जी ने यह संकल्प किया था कि यदि हमारे 40 शहीदों ने जो भारत के लिए कुर्बानी दिया, जो उनके लिए उनके माता पिता को जो दुख और दर्द था, उससे ज़्यादा कहीं हमारे दिल में, मैं भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मेरे दिल में एक दुख और दर्द है। मैं कहना चाहता हूँ, ललकार के बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी से हमारा निवेदन है कि उस अगर जवान को अगर पाकिस्तान ने सही सलामत वापस नहीं दिया तो एक जवान के बदले हमने 400 जवान को फिर कुर्बान पाकिस्तान को नस्तनाबूत करेंगे, भारत के नक्शे से मिटा देंगे उनको। आपने यहाँ के हर आवाम का एक ही आवाज है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी जो भी किया है आतंकवादी को खिलाफ किया है कि कोई भी नागरिक पाकिस्तान में मारा नहीं है, जो ने अपना आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ठिकानों को उड़ाया है और इसका हमारा जो है कि हमारा पायलट पकड़े हैं, अगर इसका छोड़ेंगे नहीं तो हम पाकिस्तान को अभी उनके ऊपर हमला, नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे फिर से वापस उनके ऊपर हमला करना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात से कतरा रहा है कि वो आतंकवादियों को सह देता है। वो सह देने से बाज नहीं आ रहा है तो उसका जवाब देने के लिए हमारे मोदी काफ़ी हैं। तो सुना आपने, हर आवाम को मोदी पे इतना भरोसा है, आखिर में मोदी का 56 इंच का सीना क्या वाकई 56 इंच का रहेगा या नहीं? शहीदों का बदला हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबराते हुए दिख रहा है। आइए हम जानेंगे, यहाँ पे कई लोग खड़े हैं कि आखिर में पाकिस्तान का सहमने का कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया है। सही बात है, पाकिस्तान तो डरा है और जो और डरने की उसको ये भी है क्योंकि 12 दिन के अंदर ही मोदी जी ने हम लोगों ने इसी जगह पर उनसे उम्मीद रखा था, कहा था कि 40 के बदले 400 सिर चाहिए और उन्होंने कर दिखाया। आज 56 इंच का सीना, 56 इंच वो कहते हैं लेकिन हम लोग 2 इंच बढ़ा करके कहते हैं कि उनका सीना तो 58 इंच का हो गया। कहीं ना कहीं हमारा एक जवान आज भी पाकिस्तान के कैद में है, तो क्या अपील करेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि वो सुरक्षित वापस आए और पाकिस्तान को देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो उसे मालूम है अगर 40 का 400 गया तो 1 का 400 वापस चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जिसके लिए हर जगह पे मिठाइयां बांटे जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो 14 फरवरी का आत्मघाती हमला हुआ है उसके शहीदों को नमन करते हुए मोदी से आग्रह करता हूँ कि जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। 26 तारीख को उनके तेरावे के दिन ही उनको जो उनके घर परिवार वालों को उनके बदले का आयोज दिया वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं आगे भी मोदी जी से यही आग्रह करूँगा, जो आज हमारा पायलट उनके पास है उसको भी सही सलामत लेके आया जाए, नहीं तो ये 1 के बदले 400 क्या हम 4000 भी लाने के दम रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी सेना में ज्वाइन होंगे और ऐसा काम करने के लिए हमारे भारत की जनता भी तैयार रहेगी। देखा है आपने, यहाँ का हर आवाम का यही पुकार है कि हमारा जवान हमारे घर वापस आना चाहिए, नहीं तो हर एक युवा सेना में भर्ती होकर उसका बदला लेने के लिए तैयार है। देखना यह है कि मोदी सरकार इस पे कितनी खरी उतरती है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिर में मोदी सरकार कितनी वाहवाही अब क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार की वाहवाही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मोदी सरकार एक ही सरकार जो आज हम बदला लिए, 48 वर्ष बाद हम ये बदला लिए हैं और पाकिस्तान डरा सामा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा एक जवान भी उनके कब्जे में, उसके लिए क्या कहेंगे? वो जवान के लिए मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ हमारे जवान को सुरक्षित वापस लाए इंडिया और अगर जरूरत पड़ेगी तो सारी पब्लिक भी जवान होने के लिए क्षमता रखती है तो जाके बॉर्डर लड़ सकती है। यहाँ के जवानों के परिवार के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यहाँ के जवानों के परिवार के लिए एक संदेश देता हूँ कि भगवान क्षमता रखे सहन करने की, लेकिन जो आज मोदी देश उनके साथ और उनके पूरा देश उनके साथ है, जो आज मोदी जी ने उन जवानों के शहादत के बदले 400 मारे आतंकवादी मारे हुए, वो जवानों की शहादत पूरी हो गई है। तो सुना आपने कि किस तरह से 4 के बदले 4000 का आंकड़ा पब्लिक के दिमाग में घिरा हुआ है, क्या मोदी सरकार इस बात पे पूरी तरह से खरी उतरेगी? देखना ये है क्या ये चुनावी माहौल तो नहीं जो बीजेपी सरकार इस वक्त बना रही है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे शहीदों की शहादत हो रही है, तो वहीं आज 350 आतंकवादियों का खात्मा भी हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जे जे वी न्यूज थाने।
आप हमारे YouTube पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।